Please put your hands together for the unforgettable ghazal maestro Jagjit Singh. ये दिल मोहब्बत का सफर है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए द किंग ऑफ गजल मास्टर जगजीत सिंह। थैंक यू सर सो मच फॉर एक्चुअली लिटरली कमिंग ऑन कैरी ऑन शेखर। सर कंचे खेलते थे आप बचपन में? बिल्कुल, कंचे खेल खेल के बड़े हुए। लोग ऐसा कहते हैं कि जस्सी जैसी कोई नहीं, मैं कहता हूं जगजीत जैसा कोई नहीं। ठीक है, आपने कह दिया तो ठीक है, लेकिन जस्सी बीच में कहाँ आ गई? हम दोनों के बीच में कोई किसी को तो आना चाहिए, तो मैंने जस्सी डाल दिया। नहीं नहीं, ऐसे मत करिए। नहीं आप बताइए क्या करें। मैं तो हेडल में बैठ गया। सर आपको ऊंचाइयों का शौक है ना? हाँ, सीढ़ियों में चढ़े तो ऊपर तक चले। क्या है कि आपने सोफे पे हैंडल पे बैठ गए, थोड़ी देर पे टेबल पे बैठ गए। नीची नीची बनाई हुई है जी, जान के आप कॉम्प्लेक्स देते हो, तो मैं जरा लेवल पे आ रहा हूं। सर आप हमारे लेवल तक नहीं आए, हम आपके लेवल तक आने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस जन्म में तो होने वाला नहीं है। आपके लेवल तक कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि आप जगजीत सिंह है, जग को जीतने वाले जगजीत सिंह। आज क्या बात करें आप बताइए। सर क्या बात करें, आप पूछिए मैं बताता हूँ। हाँ, सर तो शेखर साहब, हाँ, ऐसा है कि हाँ, सुना है आप पाकिस्तान जा रहे हैं, वहाँ हाँ, आपके पोस्टर लगे हुए हैं जी। तो ये मेरे आखिरी पोस्टर है, इसके बाद मेरे कोई पोस्टर नहीं लगेंगे। नहीं, इसके बाद पोस्टर तो लगेंगे, लेकिन नीचे कैप्शन बदल जाएगा। ये अब नहीं रहे। ये वांटेड ये वांटेड थे। आप ये आप भी तो पाकिस्तान जा रहे हैं? मेरे भी लगे हुए थे, मैंने उतरवा दिए। वो तो वहाँ के गजल सिंगर्स ने उतरवाए। हो सकता है, कंपटीशन इतना तगड़ा है ना। वो आप पाकिस्तान जाते हैं, एक से एक गजल सिंगर्स हैं वहाँ। वहाँ किस तरह से रिएक्ट करते हैं? नहीं, गजल सिंगर्स जो है ना वो इतने नहीं है जितने आप लगते हैं। आप कहाँ गए? वो हैं वही हैं। अच्छा, जैसे यहाँ भी बहुत हैं गजल सिंगर तो, हाँ, पर छुप के गाते हैं। वहाँ भी ऐसे ही, आजकल क्या पॉप म्यूजिक के पीछे सब है जी, तो गजल बदल का जो रिवायत है वो कम हो गई वहाँ पे। मॉडर्न जो साउंड है, मॉडर्न म्यूजिक, उसके ऊपर है सब। गजल का जो धंधा है वो थोड़ा मंदा है अब, ऐसा माने? नहीं, उनका तो हो सकता है, मेरा तो नहीं। और ईश्वर करे कभी ना हो आपका ये धंधा मंदा। बिल्कुल सर, आपकी जहां मर्जी आप बैठ जाइए, आप जहां बैठ जाएंगे वहीं पीठ दुखने लगी। चलिए, मैं ये कह रहा था कि जो गजल की शुरुआत जो पाकिस्तान से हुई। नहीं, आपको किसने कहा? नहीं, मैंने ऐसे सोच लिया। सोचना कोई बुरी बात नहीं। देखिए, गजल की शुरुआत इंडिया से, हिंदुस्तान से हुई है। गजल 700 साल पुरानी रवायत है। गजल जो बेसिकली तो पोएट्री की चीज है ना, गाना तो बाद में शुरू हुआ है। तो जब गजल की जो हिस्ट्री, अगर गाने की हिस्ट्री देखी जाए तो वो 60-70-80 साल पुरानी है सारी। कितना फर्क आया है पहले के गजलों में और आज की गजलों में, जो आप कह रहे हैं? बहुत फर्क है। एक तो क्या है, सब्जेक्ट मैटर जो है वो भी चेंज हो गया है। अभी पहले सिर्फ रोमांटिक चीज पे, विमन, वाइन, शराब, ये शमा, ये सब। अभी क्या है, अभी पूरी गजल में जो एक शेर में समझो पॉलिटिकल स्टाइल भी होगा, उसमें सोशल स्टाइल भी होगा, उसमें गरीबी की बात भी होगी, जैसे उसमें रिलेशंस भी होंगे। जैसे जैसे अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ। देखिए, इसका पूरी गजल देखिए, इतनी महंगाई के बाजार से कुछ लाता हूँ, अपने बच्चों में उसे बांट के शर्माता हूँ। दीज आर दी मॉडर्न प्रॉब्लम्स। और गजल जैसे है, मैं ना हिंदू ना मुसलमान, मुझे जीने दो, दोस्ती है मेरा ईमान, मुझे जीने दो। बहुत खूब। ये रिलीजियस जो मतलब आप डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर के जरिए कुछ कहने की भी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, पहले बहुत ज्यादा आशिकाना, पहले बहुत ही ज्यादा रोमांटिसिज्म बहुत ज्यादा था, अब यथार्थ थोड़ा आ गया। हाँ, ये शुरू हुआ एक्चुअली जो हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुई ना पार्टीशन से पहले जी,
जो तमन्ना अब हमारे दिल में है, है ना गजल, देखना है कातिल में, वहाँ से सब्जेक्ट मैटर शुरू बदलने शुरू हुए। फिर आज़ादी के बाद जो है ये प्रॉब्लम्स और गरीबी की, और ये जब उधर फैज साहब की जो सब्जेक्ट है वो भी देखी जाए, वो भी मॉडर्न उस पर प्रॉब्लम जो है उनके ऊपर है सारी। आपने अपने कॉन्सर्ट इतने कम क्यों कर दिए? जरा टाइम थोड़ा सा कम मिल रहा है, क्रिएटिविटी आजकल नए एल्बम बनाने किन नए एल्बम बना रहे हैं और किन चीजों की तरफ मुड़ गए? आपके बहुत सारे फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज से भी आप जुड़े हुए हैं। नहीं नहीं ज्यादा नहीं, वो तो पार्ट ऑफ कॉन्सर्ट ही है ना। लोग आपको अक्सर जो है गाने के लिए फरमाइश करते हैं, हम कुछ आपको हंसाने के लिए जो फरमाइश करें कि नई बातें कुछ गजलों में डाली है आपने, जो शुरुआत की थी जिस तरह से आप ऑडियंस को अपने साथ लेके जाते थे गजल के साथ साथ, यू टू हैव दिस सेंस ऑफ ह्यूमर दैट विल कैरी द ऑडियंस। वो तो है ना, कभी आइए, कभी कभी कॉन्सर्ट में आइए तो आपको दिखा। यहाँ हमारा आप फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारे लिए भी एक कर दीजिए। अभी देखिए जैसे वो गजल है तेरा चेहरा, बजाइए जरा। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरा चेहरा। ये तो शेर हो गया ना, बजाते रहिए। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है। अभी इश्क में देखिए आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, इश्क की आग जो है बुझते बुझते एक जमाना लगता है। इस शेर के बाद इसी बुझते बुझते एक जमाना लगता है, तो एक जमाने में क्या होता है, चश्मा लग जाता है, बाल लग जाते हैं, दांत लग जाते हैं, तो वो शेर उस वक्त कैसे कर रहा है? माशूक का बुढ़ापा, एक जमाना लगता है तो माशूक भी बूढ़ा हो गया। माशूक का बुढ़ापा लज्जत दिला रहा है, अंगूर का मजा अब किशमिश में आ रहा है। फिर इसमें इसमें दूसरा शेर है, हाँ, तुझसे मिलकर इमली मीठी लगती है। अब इश्क की हालत है, इसमें कितना झूठ बोलता है आदमी, क्या कुछ करना पड़ता है। देखिए तुझसे मिलकर इमली मीठी लगती है, तुझसे बिछड़ कर शहद बिखारा लगता है। बहुत खूब। लेकिन आपका एक गाना जो है हजारों लाखों लोगों के हजारों करोड़ों गानों के बराबर है। फिल्म अर्थ से वो गाना बगैर सुने एंड टेक इट एज अ नेक्स्ट फिलैंथ्रोपिक एक्ट, वो हमें जरूर सुनाएगा। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, जैसे आपको आहिस्ता आहिस्ता के बगैर जाने नहीं देते, हम आपको इस गाने के बगैर जाने नहीं देते। मुस्कुरा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, आंखों में नमी हंसी लबों पर, आंखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। जैज बजाइए जैज।
रिमिक्स कर रहे हैं। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया जगजीत बाबू। शो के शुरुआत में भी हमने कहा था कि चाहे जो जैसा भी हो कैसा भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि जगजीत जैसा कोई नहीं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमारे समाज पे इन दिनों टीवी के तमाम प्रोग्राम्स का गहरा असर, लोग इनके टाइटल्स